हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, सैंट्रो के कुछ वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू किया गया था, सीएनजी वेरिएंट्स को कुछ दिनों पहले। बट अब ये खबर आई है कि सैंट्रो गाड़ी को कम्प्लीटली इंडिया से डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ डीलरशिप्स पे अवेलेबल है जहाँ स्टॉक क्लियरेंस हो रहा है, तो डिस्काउंट में अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सैंट्रो गाड़ी काफ़ी प्यारी थी, छोटी प्यारी सी। मुझे ये वैगनर से ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्विड से ज़्यादा अच्छी लगती थी। फोर सिलेंडर इंजन था इसका, इंटीरियर्स काफ़ी अच्छे थे। 2018 में इसे दोबारा लॉन्च किया गया था, और क्योंकि उस ये शुरू में जब हुंडई आई थी इंडिया में, पहली गाड़ी इनकी सैंट्रो थी जिसने धूम मचाई थी। इस्टेब्लिश किया था सैंट्रो को इंडियन मार्केट में और बहुत लंबे अरसे तक बिकी थी। फिर इस सैंट्रो जिंग के नाम से इसका फेसलिफ्ट आया था, मैंने चलाई है। इनफैक्ट अगर जो सैंट्रो जिंग मॉडल था उसमें मैंने गाड़ी चलाना सीखा था, तो दैट कार इज़ क्लोज टू माई हार्ट। उसके बाद ये डिसकंटिन्यू हो गई थी। फिर 2018 में इसे रीलॉन्च किया गया था नए अवतार में, टॉल बॉय के नाम से। तो छोटी प्यारी सी गाड़ी थी, अच्छा इंजन था, इंटीरियर अच्छे थे, स्पेस अच्छा था। बट मे बी शायद कस्टमर्स थोड़ा बड़ी गाड़ियों की ओर रुझान है, इसलिए गाड़ी के सेल नंबर्स अच्छे नहीं हो रहे थे, तो इसे डिसकंटिन्यू किया कर दिया गया है। और मुझे थोड़ा तो पहुँचता है ऐसा होता है तो। बट एनीवेज, आप डिस्काउंट में गाड़ी को ले सकते हैं अगर स्टॉक अवेलेबल हो तो वो एक बात है। बट ये वैगनर को इन गाड़ियों से मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी ये गाड़ी। और बस अपना ध्यान रखें, वीडियो अच्छा लगा तो यू नो व्हाट टू डू। थैंक यू, जय हिंद।